हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय में लंबे समय से लंबित पड़ी मांगों को लेकर हमीरपुर के गांधी चौक पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जिला स्तरीय प्रदर्शन किया। बेहद तहशा, बड़ी फीस और स्टाफ की स्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय की एबीवीपी इकाई के उपाध्यक्ष महेश कुमार की अगुवाई में यह प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा तकनीकी शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। प्रदर्शन के माध्यम से तकनीकी विश्वविद्यालय में स्थायी कुलपति की नियुक्ति करने, तकनीकी विश्वविद्यालय में छात्रों की भारी भरकम फीस को कम करने, तकनीकी विश्वविद्यालय में रिक्त पड़े शिक्षक और गैर शिक्षकों के पद को शीघ्र भरने, तकनीकी विश्वविद्यालय में छात्रावास की व्यवस्था करने पर ये मांग की जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता लंबे समय से इन मांगों को लेकर प्रदर्शन करते आ रहे हैं। यहां तक कि तकनीकी विश्वविद्यालय के परिसर में हड़ताल तक की जा चुकी है। पिछले दिनों हिमाचल के राज्यपाल ने भी तकनीकी विश्वविद्यालय का दौरा किया था। उस दौरान भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने अपना मांग पत्र उन्हें भी सौंपा था। एबीवीपी इकाई के उपाध्यक्ष महेश कुमार ने कहा कि मांगों को लेकर लगातार आवाज उठाई जा रही है, लेकिन प्रदेश सरकार इनको अनसुना कर रहा है। विद्यार्थी परिषद की तरफ से शासन प्रशासन को मांग पत्र सौंपे गए हैं, लेकिन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निजी संस्थाओं की अपेक्षा तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में अधिक फीस वसूली जाती है, लगातार ये क्रम जारी है। उन्होंने कहा कि लगभग सभी फैकल्टी के पदों पर स्थायी तौर पर नियुक्ति नहीं की गई है, यहाँ तक कि कुलपति और अन्य पदों को भी स्थायी रूप से नहीं भरा जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा कि यदि जिला स्तर पर प्रदर्शन के बाद भी उनकी मांगे नहीं मानी जाती है, तो फिर राज्य स्तर पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। तकनीकी विश्वविद्यालय को शुरू हुए लगभग 11 वर्ष हो चुके हैं। 2018 से तकनीकी विश्वविद्यालय के अंदर 8 पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अभी तक जो है हमारे यहाँ पे जो कुलपति है वो स्थायी तक नहीं। हमारे पहले जो कुलपति होते थे उनके जो वो CU में हो जाती है उनकी, ठीक है। तो अभी तक जो है 3 महीने हो गए, 3 महीनों में अभी तक जो हमारे को स्थायी कुलपति नहीं मिला है। जो हमारे यूनिवर्सिटी में डीन है वो भी स्थायी तक नहीं है। और हमारे इसमें जो भारी भरकम फीस जो है टेक्निकल यूनिवर्सिटी के छात्रों से वसूली जा रही है, अगर हम बात करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की भी, तो वहाँ पे कम से कम एक सेमेस्टर की 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार फीस ले रहे हैं, और टेक्निकल यूनिवर्सिटी वाले 25-25, 30-30, 35-35 हज़ार फीस ले रहे हैं। मैं बात करता हूँ MSc इन्वायरमेंट की, तो उनसे 38 हज़ार फीस वसूली जा रही है। हालांकि ये सरकारी यूनिवर्सिटी है, सरकारी यूनिवर्सिटी होने के बावजूद भी ये हमारे से इतनी ज़्यादा फीस वसूल रहे हैं। और यहाँ पे जो है गैर व शिक्षकों की नियमित भर्तियाँ नहीं की जा रही हैं। लगभग 3 साल यूनिवर्सिटी को खुले हुए हो गए हैं, जो जहाँ से पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं 8, तो अभी तक जो है एक भी शिक्षक जो है वो नियमित नहीं है। बात करता हूँ यहाँ पे बस सुविधा की, अभी तक जो है यहाँ पे बस सुविधा भी उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। तो इन सभी मांगों को लेके जो है मेरा जो है यहाँ पे आज धरना प्रदर्शन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का। तो हम गांधी चौक पे जो है जिला प्रदर्शन धरना कर रहे हैं। कब तक रहेगा? जो है हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक जो है हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। अगर हमारी मांगों को जिला प्रदर्शन पे नहीं सुनी जाएगी तो हम प्रदेश में उग्र आंदोलन करेंगे।